अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो IFRS 16। आजकल IFRS 16 बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई और इसके काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, जिस वजह से काफ़ी हमारे जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो उस ट्रीटमेंट में कंफ्यूज हो। इस वीडियो के जरिए आपको IFRS 16 के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह आपको IFRS 16 अप्लाई करना। तो सबसे पहले हमें IFRS 16 जो लीजेस है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि लीज क्या होती है और लीज के पर्पस क्या होता है, क्या वजह है जिसके लिए हम लीज के लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम जानते हैं लीज के बारे में। लीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिसमें जो एक पार्टी होती है उसे हम लेजर बोलते हैं और दूसरी पार्टी को हम लेसी बोलते हैं। लेजर जो होता है, एसेट जो होता है उसका ऑनर होता है, उसके बाद लीगली राइट होता है। लेसी जो होता है वो लेजर से एसेट लेता है कुछ अर्से के लिए यूज करने के लिए, और वो इसके अगेंस्ट लेजर को कोई कंसीडरेशन देता है, यानी कि रेंटल देता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि लीज जो है वो हम क्यों करते हैं। हम एसेट परचेज भी तो कर सकते हैं, हम एसेट परचेज क्यों नहीं करते, हम लीज की तरफ क्यों जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके लिए हम लीज की तरफ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न, जब आपने कोई एसेट खरीदना है तो आपको बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। अब बिजनेस में एक जगह पे पैसा लगाना बहुत बार अवकात बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन नीड्स होती हैं जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज लीजिंग कंपनी के पास जाती हैं, लीज पैसे खरीद लेती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और ड्यूरेशन जो है उसमें लीज पेमेंट्स करती रहती हैं, ताकि उन पे कोई कैश आउटफ्लो का बर्डन ना है। अगर कैश आउटफ्लो एकदम हो जाएगा तो कंपनीज के लिए मसला होगा कि ऑपरेशन लीड्स को मैनेज करना। कुछ कुछ कंपनी कर भी लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनी इस ऑप्शन की तरफ जाती हैं, वो जो इनके पास कैश है जो पड़ा हुआ है उससे अपनी ऑपरेशनल नीड्स को फाइनेंस करें और एसेट को लीज पे खरीदें और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके पैसे वापस। दूसरा जो हमारे पास का मेजर फायदा ये है, आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का दौर है ना, इस जमाने में कितनी सारी चेंजेस आ रही है, रोज टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आ रही है और चीज़ें फटाफट चेंज हो, तो कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा एक्सपेंस करें, वो कोई एसेट लें और वो थोड़े अरसे में, साल दो साल तीन साल में आउटडेटेड हो जाए। तो कंपनीज क्या चाहती है, कंपनीज उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो लीजिंग के ऑप्शन की तरफ जाती हैं, ताकि वो जब इनका पर्पस अचीव हो जाए और जब कोई टेक्निकल चेंज आ जाए तो वो एसेट को आसानी से रिप्लेस कर। क्योंकि अगर आप एसेट खरीदेंगे और मार्केट में उसको बेचने के लिए जाएंगे टेक्नोलॉजी अपडेट होने की वजह से, तो आपको उसकी फोर्स सेल वैल्यू मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा यानी कि लॉस एट अ टाइम ऑफ सेल होगा। बाज अवकात ये होता है कि जब आप लीज पे एक एसेट ले रहे हैं तो कंपनी आपको ऑफर करती है कि वो जो एसेट का मेंटेनेंस है वो कंपनी खुद करेगी, तो इससे बाज अवकात आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप अपना एसेट खरीद रहे हैं उसका टेक्निकल ऑब्सोलीट होने का रिस्क भी है ड्यू टू न्यू एडवांसमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आई है, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव करके दे सकता है लीज वाला ऑप्शन। बाज अवकात कंपनीज कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो लेकिन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो कंपनी सोचती है कि वो एसेट की तरफ खरीदने की तरफ ना जाए, वो लीज की तरफ जाए, ताकि वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाए तो वो एसेट को वापस कर दें और कंपनी अपना ज़्यादा पैसा उसके अंदर फंसा के ना। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हमें पता लगा कि हमें लीज के ऑप्शन की तरफ क्यों जाना चाहिए। तो हमने आज जो पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, लीज क्या होती है, लेजर क्या होता है, लेजी किसे कहते हैं और लीज की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए एज कम्पेयर टू हम इसको परचेज करें ऐसे। सो थैंक यू वेरी मच आप सबके इम्पोर्टेंट वर्क का फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और इसको आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे और सेंटर्ड में इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं उस पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। शुक्रिया।